हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में हम लोग इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनको हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स दरअसल हमारे पास एक टाइप होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जिनमें हमारे पास जो हमने पहले इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी थी बिल्कुल उन्हीं की तरह डिफरेंट कंडीशंस को चेक किया जाता है और उन कंडीशंस को चेक करने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल जो है या एक तरफ भेज दिया जाता है या दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर हमने इसी काम करने के लिए पहले इफ एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ा, फिर हमने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स को भी पढ़ा, तो अब हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को क्यों पढ़ रहे हैं और इन दोनों में फर्क क्या है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने प्रोग्राम को हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की मदद से बेहतर बना सकते हैं। तो आज जो हम लोग प्रोग्राम की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो हमारे पास ये है। एग्जाम्पल हमें ये कहती है कि डिटरमिन इफ द इनपुट प्रोवाइडेड बाय यूजर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी हम लोग यूजर की मदद से कोई इनपुट रिसीव कर रहे हैं, हमने उस नंबर को जो यूजर ने लिखा है बताना है कि ये नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अब ये काम हम लोग सिंपल जो है सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स की मदद से भी कर सकते थे। सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स का अगर इस्तेमाल करते तो क्या होता, हमारे पास सीधी सीधी तीन कंडीशंस आ जाती कि अगर तो नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव हो, अगर तो नंबर स्मॉलर देन जीरो है तो नेगेटिव हो, और अगर तो नंबर इक्वल टू जीरो है तो वो जीरो हो। लेकिन यहां पर एक चीज का हमें नुकसान हो रहा है, वो नुकसान ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये पहली कंडीशन चेक की, पहली कंडीशन हमने चेक की और इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो को जब रन किया तो वो दरअसल हमारे पास ग्रेटर देन जीरो ही था, यानी हमें पता चल गया कि वो पॉजिटिव नंबर था। अब अगर तो ये चीज पॉजिटिव हमें पता चल गई है तो हमें फिर नेगेटिव और जीरो के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम जाया होगा क्योंकि हमें पता चल चुका है कि एंटर करदा नंबर पॉजिटिव है। लेकिन अगर हमने सीक्वेंस ऑफ इफ का इस्तेमाल किया है तो इसको चेक करने के बावजूद, इसका आंसर ट्रू होने के बावजूद इस कंडीशन को भी चेक किया जाएगा और फिर इस कंडीशन को भी चेक किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम और रिसोर्सेज जो हैं कंप्यूटर की वो जाया होंगी। लेकिन अगर हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का, तो हम लोग क्या करते कि पहली कंडीशन देखते कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर तो नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है सिर्फ तब अगली स्टेटमेंट पर जाया जाए, यानी इफ के बाद, इस इफ के बाद हमने फिर एल्स इफ लगाया, यानी अगर तो ये चीज ट्रू है तो इसकी वाली स्टेटमेंट्स चल जाएं, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हुआ वो आ जाए कि नंबर इज पॉजिटिव, लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है तो सिर्फ फिर हम लोग इस एल्स की तरफ जाएंगे। और else if में हमने कर दिया कि if number is smaller than zero, और अगर ये smaller than zero भी नहीं है तो अगली दफा else लगा के हम लोग simple ये print करवा देंगे कि number is zero। अब इससे फायदा क्या होगा, यहां पर आप में ये फायदा होगा कि जब हमारे पास हमने चेक किया कंडीशन स्कोर, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो अगर तो नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो चूंकि अब बाकी सारी स्टेटमेंट्स else के साथ लिखी हुई हैं बजाय इसके कि डायरेक्ट अगला if हो, यहां पर एल्स के साथ लिखी गई हैं तो अब अगली कंडीशंस को चेक ही नहीं किया जाएगा। अगर पहली कंडीशन का आंसर ट्रू आ गया है तो सिंपल हमें पता चल गया कि नंबर पॉजिटिव है, अब हम ये चेक नहीं करेंगे कि वो या नेगेटिव है या जीरो है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि नंबर पॉजिटिव है, और इस तरह हम जो हमारा प्रोग्राम होगा उसको एक इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आइए अब इस पूरी चीज को प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पर मौजूद है हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ए, और यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको अब हमने सेव करना है ए के अंदर। यहाँ पर नाम जो है हम लोग नम लिख लेते हैं, यानी स्मॉल फॉर्म फॉर नंबर, ताकि इसको याद रखने में आसानी हो कि दरअसल ये वेरिएबल के अंदर एक नंबर सेव किया गया है। फिर सबसे पहले हम लोग सी आउट की मदद से एक चीज प्रिंट करवाते हैं कि एंटर अ नंबर। अब जो भी नंबर एंटर किया जाएगा उसको सी इन की मदद से हमने क्या कर देना है, सेव कर लेना है अपने वेरिएबल नम के अंदर। सेव करने के बाद हमने सबसे पहली अपनी कंडीशन लगाई कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, अगर तो नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास सी आउट आ जाए कि यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। और ये सी आउट करने से पहले हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं एंडल की स्टेटमेंट की मदद से, और यहां पर लिखते हैं यू entered a positive number।
लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके बाद अगर ये फॉल्स होती है तो सिर्फ तब अगले स्टेप पे जाएं। तो हम लोग यहाँ पे एल्स लिखेंगे पहले, और एल्स के बाद अगर ये फॉल्स नहीं होती तो फिर दोबारा चेक किया जाए। सॉरी स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रू नहीं होती यानी कि अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर हमने क्या चेक करना है, एल्स यानी ऊपर वाली ट्रू नहीं हुई, एल्स इफ यानी ऊपर वाली ट्रू ना हो तो फिर इस इफ को चेक किया जाए। तो हमने पहले लिखा एल्स और उसके बाद हमने लिखा इफ। अब हम क्या चेक करेंगे कि क्या नंबर स्मॉलर देन जीरो है। अगर तो नंबर स्मॉलर देन जीरो है तो सी आउट करवा दिया जाए एक लाइन छोड़ने के बाद कि द एंटर्ड नंबर इज नेगेटिव, यानी कि यू एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। हमने इस चीज को प्रिंट करवा दिया, और ये वाली कंडीशन चेक ही सिर्फ तब होगी जब ये वाली फॉल्स होगी, क्योंकि हमने यहां पर else if का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम को बेहतर बना रहे हैं, इफेक्टिव बना रहे हैं। और अब हम कहते हैं कि अगर ये वाली फॉल्स हुई तो हम इधर आए, और अब हम कहते हैं कि अगर ये वाली भी फॉल्स हो जाए यानी दोबारा यहाँ पर एल्स का इस्तेमाल करें तो सिंपल हमारे पास नंबर ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है, स्मॉलर देन जीरो भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ, नंबर जीरो हुआ। तो एल्स हम लोग सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे सी आउट की मदद से एक लाइन छोड़ने के बाद एंड एल की स्टेटमेंट की मदद से कि द एंटर्ड नंबर is zero, the entered number is zero, यहां पर number भी लिख लेते हैं। तो ये आपने देखा कि बजाय इसके कि हम लोग sequence of if इस्तेमाल करते, जिस तरह के हमने यहां पर देखा था कि पहली कंडीशन ट्रू होने के बावजूद भी अगली को चेक किया जा रहा है और फिर तीसरी को भी चेक किया जा रहा है, यहां पर हम लोग सिंपल एक को चेक करते हैं, अगर वो ट्रू तो बाकी सबको हम लोग स्किप कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम जो है इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि फास्ट हो जाता है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग अपने पास रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन किया, और यहां पर अब आप लोग आउटपुट में देख सकेंगे कि लिखा आ रहा है एंटर अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहां पर 9। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो आउटपुट क्या आना चाहिए कि यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। एंटर करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि लिखा आ गया यू एंटर्ड अ पॉजिटिव नंबर। इसी तरह आप नेगेटिव नंबर के लिए चेक करते हैं, हम लोग दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं और इस दफा एंटर करते हैं -9, तो आप देखेंगे कि आउटपुट में आ रहा है यू एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। तो काम तो हम लोग यही सेम काम ये सीक्वेंस ऑफ इफ की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन इसी काम को करने का एक बेहतर, एक इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट तरीका ये है जिसको हमने आज पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उनको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।